आज यह नवरात्र के पर्व पर, नवरात्र के शुभ अवसर पर उ कथा सुनी कि हमरा यह जिला गोपालगंज में थावे नगरी में मैया के आगमन कैसे भइल ह। भक्ति में शक्ति के कतना बखान करी, लक्ष्मी भी निकले लिगाई के खूर से, भगति में गीधे गो सीध पर सीध भैले, सीता जी के देखली हले कय जो जन दूर से, सुनली की भक्ति के देन में भी मीरा जी पी के उपच गईली देखी महूर से, आर भक्ति के देन भइल त जिला रे गोपाल गंज में, चावल निकालल गईल कतरा के झूर से, ता आई भैया उ कथा हम सुनावे जाता नहीं। रसु जेकर नाम हो थावे में पूजल जाले, वो मैया भवानी के साथ में उ रसु के रहे, कैसे रसु के जन्म भइल, माई के कैसे बुलावले, इ कथा में सुनल जाए। थावे वाली के अद्भुत कहानी, थावे वाली के अद्भुत कहानी, लाज रहसु के राखली भवानी, लाज रहसु के राखली भवानी, आवे वाली के अद्भुत कहानी, आवे वाली के अद्भुत कहानी, लाज रहसु के राखली भवानी, लाज रहसु के राखली भवानी। रहसु के माई नाम रहे मुनिया हो, जात के चमैन रहली जान सारी दुनिया हो, भक्त रहसु के माई नाम रहे मुनिया हो, जात के चमैन रहली जान सारी दुनिया हो, अचकन मुनिया से माई के भेंट भइल, अचकन मुनिया से माई के भेंट भइल, सेठ भइल बढ़ल मुनिया के ढेर परेशानी, बढ़ल मुनिया के ढेर परेशानी, लाज रहसु के रखली भवानी, लाज रहसु के रखली भवानी। Thank you.
मुनिया के चिंता देखी कहली दुर्गा माई हो, जानी न समाज कौनो आँच नहीं आई हो। मुनिया के चिंता देखी कहली दुर्गा माई हो, जानी न समाज कौनो आँच नहीं आई हो। तहरा हो थेली में झलका जरूर होई, ओही से भक्त हमार बड़ मशहूर होई, ओही से भक्त हमार बड़ मशहूर होई। होई धर्मी विद्वान बहुत ज्ञानी, लाज रहसु के रखली भवानी, लाज रहसु के रखली भवानी। आवे वाली के अद्भुत कहानी, आवे वाली के अद्भुत कहानी, आज सुनी सुनाई श्रोता ज्ञानी, लाज रहसु के रखली भवानी। आज सुनी सुनाई श्रोता ज्ञानी, लाज रहसु के रखली भवानी। ए मलिकार माता से मुनिया के भेंट भइल, मुनिया डर गइल। माता कहली कि भक्त डरो मत, हम तुम्हारे द्वारा एक अद्भुत लीला का निर्माण करना चाहते हैं। मुनिया कलश की माता बोलल जाए। माता कहले कि सुनो, हम तहरा माध्यम से एगो लड़िका के उत्पत्ति कर चाहता नहीं। जौन लड़िका के उत्पत्ति होई लेकिन रहस्यमय ढंग से, तहरा हाथ में एगो झलका होई और झलका फूटी, वो झलका से एगो बालक होई। वैसे ही भइल, मुनिया के हाथ में एगो झलका भइल आ झलका फूटल तो एगो बालक के उत्पत्ति भइल, रहस्यमय ढंग से उत्पत्ति भइल। वही के कारण नाम धराइल रहसु। ओ रहसु भक्त के माता अपना साथ में लेके कौरु कमक्षा चल गईली हो। अब कौरु कमक्षा में सोहर भी होता, आननी छपरी भवानीपुर में भी सोहर होता। आ मुनिया निछपरी भवानीपुर में एगो कुटिया बना के रहे लगली, आ तनी सोहर देखल जाए कैसे होता। रतन भैया कहावा में रहसु जन्म ले तो कहावा सियान भइले हो। रहसु के जन्म कहाँ भइल, अब पालन पोषण कहाँ होता, तनी देखल जाए।